Tüm çapalı. ऐसे लग रहा है कहीं पे बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। شكر الحمد لله شكر الحمد لله شكر الحمد لله شكر الحمد لله और ये अच्छे से हमारा भुर्ता डन हो चुका है। एक बार आप फिर से देखिए, ये सारा प्रोसेस देखने का है। तो फिलिंग आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और सॉसेस और मसाले भी अपने। तो हमारे मज़ेदार से चिकन कीमा समोसा रेडी हैं, आप इसे एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज है 10वीं सेरी। मेरी तरफ़ से आप सभी को 10वीं सेरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारा दस्तरखान सेरी का लग चुका है। डेली की तरह हमारी सिंपल सी सेहरी होती है। आज हमने जल्दी सेहरी कर ली थी और अजान होने में 15 से 20 मिनट अभी रहते थे। तो हया ने मुझसे कहा तहज्जुद पढ़ लो, अभी हया ही पढ़ के उठी थी, तो मैंने भी यहाँ पे तहज्जुद के नवाफिल पढ़ लिए हैं। वैसे तो हम सेहरी से पहले ही तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन आज हमने सेहरी जल्दी कर ली थी ना, तो अब यहाँ पे बैठ के हम वेट कर रहे हैं अजानों का। तो जी हाँ, मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। और अब जो है ना, मैं आप लोग को दिखाऊँ आज का वेदर, कराची का वेदर। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आसमान लग रहा है ना, और मौसम जो है ना थोड़ा बहुत गर्म लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत आसमान लग रहा है। ऐसे लग रहा है कहीं पे बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। बहुत खूबसूरत आसमान लग रहा है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे जोया नमाज़ पढ़ रही है, मैंने भी जा नमाज उठा ली है नमाज़ पढ़ने के लिए। असर का टाइम हो रहा है, चले असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे किचन में मिलती। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। डेली की तरह जो है ना, आलू प्याज की कटिंग मैंने कटर से बारीक बारीक कर दी है। और ये आप लोग को नज़र आ रहा है, तो ये फ्रीज की हुई पालक है जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद। फ्रेश पालक हमें पसंद है, लेकिन मेरे भाई जो है ना लेट लेके आए थे, तो फिर हमें मजबूरन इसे फ्रीज करना पड़ा। यहाँ पे हरी मिर्चों को भी हम शामिल कर देते हैं पकौड़ा बैटर में। ये हया ने जो है ना पकौड़ा का बैटर रेडी कर दिया है, तो यहाँ पे मैं अपने शरबत में रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ। साथ ही साथ ये वाला काम जो है ना डन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया है अफ्तार को। तो बस इतना ही काफ़ी है। तो ये मिक्स हो चुका है, यहाँ पे मुझे बर्फ दिए जोया ने, इसे भी डाल दें शरबत में। वैसे भी अभी आधा घंटा रहता है, आधे घंटे तक जो है ना ये मेल्ट हो जाएगी इसमें। इसमें साइड पे रख दूंगी, लेमन क्यूब भी शामिल कर दूंगी। ये मैं ले जाती हूँ, मैं आ रही हूँ वापस। रेडी हो चुका है हया, यहाँ पे पकौड़े तल रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे हमारी गैस बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े चाहिए है ना, तो आप जो है ना फुल फ्लेम पे पकौड़ों को तला करें। एक टिप है हया की और दूसरी टिप है हया की, तो जब सारी चीजें कट कर देती है, बाद में बेसन ऐड करती है ताकि बेसन कम और इसमें प्याज ज्यादा दिखाई दे, ऐसा है जी। हाँ, तो इसी ट्रैक से जो है ना मेरी सिस्टर बनाती है, इसी वजह से माशाल्लाह से इसके पकौड़े जो है ना बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, अंदर तक पके होते हैं और कच्चे बिल्कुल भी नहीं होते। ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये जो है ना हया माशाल्लाह हर साल बनाती है, हमें इसके हाथ के पकौड़े बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसकी जान हम नहीं छोड़ने वाले, तो ये बनाती रहेगी जब इसकी शादी नहीं होगी।
ये देखिए फ्लेम जो है ना हाई होगा, फुल फ्लेम पे पकौड़े तलेंगे तो ये क्रिस्पी होंगे और बेसन कम होना चाहिए माशाल्लाह। तो बस ये मैं आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे, ये एकदम मज़ेदार से पकौड़े होंगे। पकौड़े हमारे डन हो चुके हैं, कुकिंग ऑयल यहाँ पे काफ़ी सारा था और गर्म भी था तो मैंने कलरफुल पापड़ उठाए और मैंने हया से कहा ये इसमें डाल देते हैं तो ये अच्छे से जो है ना हमारे पापड़ फ्राई हो जाएंगे ना। वैसे अगर ज़्यादा कुकिंग ऑयल आम दिनों में हम यूज़ नहीं करते क्योंकि महंगाई कोई इतनी ज़्यादा हो गई है तो मेरी अम्मी इतना ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमें यूज़ करने नहीं देती। अभी तो अच्छा है कि पकौड़े बन रहे तो इसी में हम डाल देते हैं पापड़ को ताकि ये भी अच्छे से तल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा, जब पकौड़े हम बना रहे थे तब फ्लेम फुल था और जैसे ही हमने इसमें पापड़ शामिल किए तो हमने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, मतलब फ्लेम को लो कर देना है, ऐसे ना हो कि पापड़ जल जाए ना, क्योंकि ऑलरेडी ही तेल इतना गर्म है। पापड़ हमारे फ्राई हो चुके हैं और मेरे भाई लेकर आए हैं ब्लैक चना चाट, इसे मैं बाउल में निकाल देती हूँ और अब मैं आपसे मिलूँगी दस्तरखान पे। आज 10वां रोज़ा कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह से आज पहला अशर भी रमज़ान का कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और दुआओं की ज़रूरत तो हमेशा हर वक्त हर किसी को होती है तो प्लीज़ आपने मुझे अपनी दुआओं में लाजमी से याद रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल का और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, इसे मैं कर देती हूँ मिक्स। और अब मैं यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल करूँगी चिकन का कीमा। चिकन कीमा मैंने लिया है तकरीबन 1 kg, तो ये मशीनी चिकन कीमा नहीं है, ये हाथ से कुटा हुआ चिकन कीमा है। ये थोड़ा दरदरा मोटा सा होता है और इससे समोसे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इसे मैं कर देती हूँ मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे इतना कुक करूँगी कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और चिकन अपना पानी भी छोड़ देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और हमारी चिकन अच्छे से वाइट कलर में आ चुकी है। अब इसका पानी ड्राई करते हैं। चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला तो हमारी चिकन डन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले, तो यहाँ मैंने लिया 1/2 टीस्पून नमक, इसे शामिल कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसे भी शामिल कर देती हूँ। काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 2 चुटकी। तो बस इतने ही मसाले जाएंगे इसमें, अच्छे से इसे कर देती हूँ मिक्स। तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल से मसाले हैं। रमज़ानों में ज़्यादा मसाले नहीं खाए जाते इसीलिए हम अपने घर में अपनी मर्ज़ी से ही अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा मसाले डालते हैं और बहुत ही मज़ेदार और साफ़ सुथरे तरीके से बन जाते हैं। यहाँ मैंने लिया 1 बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर दिया है, साथ में ही शामिल कर दिया। हरी मिर्च 4 अदद बारीक कटी हुई इसमें शामिल कर देती हूँ और अब इसे कर देती हूँ मिक्स। तो प्याज को हमें कुक नहीं करना था, बस सिर्फ सॉफ्ट करना था और यहाँ पे मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और ये अच्छे से हमारा भुर्ता डन हो चुका है। सबसे लास्ट में इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून, सिरका इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बस तो ये लास्ट में ही शामिल करने थे और फ्लेम हमारा ऑफ है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं साइड पे कर देती हूँ रूम टेम्परेचर पे, ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चिकन का भुर्ता हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने पहले ही बना लिया था। चले जी अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ और यहाँ पे मैंने लिया था 2 टीस्पून मैदा जिसमें मैंने पानी डाल दिया था और ये एक लिक्विड सा बन गया है, लई बन गई है हमारे समोसा पट्टी को ज्वाइंट करने के लिए। यहाँ एक ट्रे ले लेती हूँ और यहाँ मैंने लिए रेडीमेड समोसा पट्टी, ये देख सकते हैं आप, मार्केट से आसानी से मिल जाती है। तो अब इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ तिकोन शेप में, आप गौर से देखिए मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो बस ये आसान सा तरीका है, ये बस इस तरह आसानी से फोल्ड हो जाता है, तीनों साइड तिकोन है। और अब मैं इसे पॉकेट में शामिल कर देती हूँ जो हमने भुर्ता बनाया चिकन का। तो ये जो भुर्ता है आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं
और यहाँ पे जो मैंने लिक्विड बनाया है इस मैदे के गम को मैं अपनी समोसे पट्टी पे लगा लेती हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अब इसे मैं कर देती हूँ फोल्ड। तो हमें इसे तिकून ही फोल्ड करना है। समोसे के कॉर्नर पे ले जाती हूँ और जो दूसरा साइड है उसे मैंने बैक साइड पे फोल्ड कर दिया है। लो जी, आसानी से हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह करके बाकी के भी समोसे मैं रेडी कर लेती हूँ। तो एक बार आप फिर से देखिए, ये सारा प्रोसेस देखने का ही है, आप गौर से देखिए। तो बहुत ही आसानी से ये पॉकेट तैयार हो जाता है और फिर हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। तो फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है घर में समोसे बनाने का कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा फिलिंग भी कर सकते हैं और सॉसेस और मसाले भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो जी, हमारे सारे समोसे बन चुके हैं और अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिया है जिसे मैंने फुल फ्लेम पे गरम कर लिया है। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है समोसों को फ्राई करने का, बस फुल फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को गरम करना है और सारे के सारे समोसे हम इसमें शामिल कर देंगे और साइड टू साइड इसकी चेंज करेंगे, फ्राई करते जाएंगे, अपनी मर्जी का कलर आ जाए समोसे पे। तो बस इतना ही हमें कलर देना है। तो यहाँ मैंने लाइट गोल्डन सा कलर दिया है समोसों को, ज़्यादा डार्क कलर के समोसे अच्छे नहीं लगते, बाद में ये खुद ही डार्क हो जाते हैं। तो इसे मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो हमारे मज़ेदार से चिकन समोसा रेडी है और बाकी के समोसे भी मैं इसी तरह करके फ्राई कर देती हूँ। सारे के सारे समोसे भी आप डाल सकते हैं। तो हमारा कढ़ाया मीडियम साइज़ का है तो इसमें कम ही समोसे जाएंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अफ्तार करने के बाद समोसे बना रही है, ये क्या बात हुई। तो बात कुछ ऐसी है ना कि भाई जो है ना चिकन कीमा लेकर आ गए थे और समोसा पट्टी हमारे घर पे ऑलरेडी मौजूद थी, तो मैंने सोचा चले इसे समोसे बना लिए जाए, क्योंकि हम जब अफ्तार कर लेते तरावी पढ़ लेते फिर हमें लग जाती है भूख और उस टाइम फिर हम कुछ खाते नहीं है, बस हम सहरी का ही वेट करते कि सहरी में कुछ खा लेंगे, अगर अभी कुछ खाएंगे तो फिर जो है ना सहरी करने को दिल नहीं चाहेगा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चले आज जो है ना लेट चाय बना लूँगी और साथ में ये मज़ेदार गरम गरम कीमे वाले समोसे भी बना लूँगी। तो बहुत ही झटपट से बन गए थे हमारे कीमे वाले समोसे, कोई भी इसमें टाइम नहीं लगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमारा टी टाइम भी हो गया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप अपने लिए अफ्तार टाइम पे ये बना सकते हैं, इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जितने भी रोज़े आगे रह गए हैं तो आराम से बना के फ्रीज़ करने के बाद जो है ना जब दिल चाहे इसे उठा के फ्राई करके खा सकते हैं। तो चले, समोसे तो मेरे रेडी हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे चाय भी बनाने लगी हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी और आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए वीडियो में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।